सब बीजेपी को लगातार नीरव मोदी पंजाब बैंक को लेकर के खेल रही थी, अब पंजाब के सीएम के दामाद भी बैंक फर्जी में केस दर्ज हो गया। देखिए, ये लोग तो आरोप लगाते हैं क्योंकि ये खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में आकंठ डूबे हुए हैं, पर हकीकत तो ये है कि परत दर पत ये लोग खुद ही भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी गतिविधियों में खानदान समेत डूबे हुए हैं, तो इनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना बेकार है। हालांकि ये तो उनका एक दो मामला सामने आ रहा है, ऐसे ही अभी बहुत सारे मामले सामने आएंगे। और राहुल गांधी भी लगातार पीएम को घेर रहे हैं, कह रहे हैं चौकीदार जी सुन रहे हैं, कैसे देखते? राहुल गांधी के बारे में तो पूरा देश जानता है कि वो जो बोलते हैं उसका वो मतलब भी नहीं समझते, और कभी कभी तो अपने ऊपर घटी ही बात को वो बोलना शुरू कर देते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में पूरा देश जानता है कि कांग्रेस किस तरह से डूबी हुई है, किस तरह से भ्रष्टाचार एक के बाद एक करते हुए यूपीए सरकार के 10 साल इन लोगों ने बिताए हैं, तो अपने ही गिरेबान में झांक करके राहुल गांधी देखें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस टिकट देने को लेकर के 50,000 का डीडी मांग दिया जा रहा, कैसे लगता है? अब ये इनका आंतरिक मामला है और वहाँ पर हर चीज़ पैसे से शुरू होती है और पैसे पर ही अंत होता है, चाहे वो सत्ता प्राप्त करके सुशासन की बात करें, पर वो सत्ता भी पैसे से प्राप्त करते हैं और सत्ता का अंत भी वो पैसे से ही करते हैं।